हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के बियर थर्सडे में हम करेंगे रिव्यू महंगी बीरा वाइट का, मेरा मतलब है होगार्डन वीट बियर का। तो एक बेल्जियन स्टाइल वीट बियर है और हमने अभी रिसेंटली एक बेल्जियन स्टाइल वीट बियर का रिव्यू किया था जिसका नाम है बीरा वाइट, और काफ़ी पसंद आई थी मुझे। और इनफैक्ट काफ़ी लोगों को पसंद आती है वो बियर, काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, और उसका रीज़न है उसका टेस्ट जो काफ़ी डिफरेंट है बाकी और किसी बियर से। कंज्यूमर्स को एक नया ऑप्शन देता है बियर के अंदर, और जो वीट बियर का स्टाइल है, जितनी भी वीट बियर इंडिया में आजकल आ रही हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि ये सारी वीट बियर कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है इस होगार्डन बियर से। और ये सिर्फ एक वीट बियर नहीं है बल्कि एक विट बियर भी है। कन्फ्यूज़ हो गए ना, चलिए क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, वीट बियर या फिर वाइस बियर या फिर वाइजन कहा जाता है एक स्टैंडर्ड जर्मन बियर को, और जो वीट बियर, जो वाइजन वर्ड है उसका मतलब होता है वीट बियर, तो काफ़ी क्लियर है। और जो हाँ बात आती है विट बियर की, तो विट बियर एक स्टैंडर्ड बेल्जियम स्टाइल बियर होती है और वो भी वीट से ही बनती है, लेकिन उसमें विट बियर का मतलब होता है वाइट बियर। और ये जो वाइट होता है ये होता है इसकी कलर की वजह से, क्योंकि इसमें एक क्लाउडीनेस होती है इस बियर के अंदर, क्लियर नहीं होती एक नॉर्मल बियर की तरह। लेकिन जब दोनों ही वीट से बनी है तो एक में क्लाउडीनेस क्यों होती है और दूसरे में क्लाउडीनेस क्यों नहीं होती? दोस्तों, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जर्मन वीट बियर बनती है मॉल्टेड वीट से, वहीं एक स्टैंडर्ड बेल्जियम स्टाइल वीट बियर बनती है अनमॉल्टेड वीट से, और उसी अनमॉल्टेड वीट की वजह से इस बियर में क्लाउडीनेस आती है और इसीलिए से बोला जाता है विट बियर या फिर वाइट बियर। और वहीं जो जर्मन वीट बियर होती है उस वो एक तरह से बिल्कुल क्लीन होती है, एम्बर कलर की होती है, जैसे एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बियर होती है उससे ज़्यादा क्लोज होती है एज़ कम्पेयर टू अ बेल्जियन स्टाइल वीट बियर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे देख के कि कितनी तरह की बियर्स अवेलेबल हैं दुनिया में, लोगों के पास कितने सारे ऑप्शंस हैं बियर को लेके। एक सिर्फ एक तरीके की बियर नहीं है, बहुत तरीके की बियर है, और बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों के बारे में पढ़ के और इन चीज़ों के बारे में बात करने में। और इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अपना टेस्ट का होराइजन बढ़ाना चाहिए, कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका टेस्ट का जो पैलेट है वो कब चेंज हो जाएगा, आपको कब एक नई चीज़ आप ट्राई करेंगे तो आपको अच्छी लगने लगेगी। तो इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। तो होगार्डन की कहानी शुरू होती है 1445 से, जी हाँ 1445, और वो इसलिए क्योंकि होगार्डन सिर्फ एक बियर की ब्रांड नहीं है, वो एक्चुअली में एक जगह भी है। जी हाँ, बेल्जियम के अंदर एक छोटा सा गांव जिसका नाम है होगार्डन, और ये गांव फेमस था अपनी स्पेशल अनमॉल्टेड वीट से बनने वाली विट बियर के लिए। और इनफैक्ट कहा जाता है कि जो विट बियर का कंसेप्ट है ये शुरू ही इस होगार्डन गांव से हुआ था, और एक टाइम पर इस गांव में 13 डिफरेंट ब्रूरीज थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विट बियर की पॉपुलैरिटी कम होती गई, ये डिस्टिलरीज बंद होती गई, और 1957 में जो आखिरी ब्रूरी बची थी इस होगार्डन विलेज में वो भी बंद हो गई, और इसी के साथ यहाँ पे जो विट बियर का आर्ट था वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ सालों के बाद उसी गांव में रहने वाले एक मिल्कमैन मिस्टर पियर सेलीज ने इस आर्ट को रिवाइव करने की कोशिश करी। उन्होंने अपने फार्म में एक ब्रूडी स्टार्ट करी और वहां से उन्होंने ये विट बियर को दोबारा बनाना शुरू किया, और एक बार फिर इस विट बियर को पॉपुलैरिटी की तरफ ले गए, और उन्होंने शुरू करी यूज़ करनी एक स्पेशल रेसिपी जिसमें वो हॉप्स का यूज़ कम करते थे और स्पाइसेस यूज़ करते थे अपनी बियर में, जैसे कि कोरिएंडर और ऑरेंज पील्स। और आज की डेट में वो एक विट बियर की सिग्नेचर टेस्ट है। जितनी भी विट बियर आप देखेंगे जो आ रही है, चाहे वो बीरा वाइट हो या और भी कोई विट बियर, उन सब में वो रेसिपी कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है। लेकिन 1985 में जब उनकी ब्रूरी में आग लग गई तो वो मजबूर हो गए कंपनी से लोन लेने के लिए, और जिस कंपनी से उन्होंने लोन लिया उसका नाम था इंटर ब्रू, जिसको आज की डेट में हम एबी इनबेव के नाम से जानते हैं। और उनको लगा कि शायद ये कंपनी उन पर प्रेशर बना रही है ताकि वो उनको उनकी जो सीक्रेट रेसिपी है वो बता दें, और उसकी वजह से उन्होंने अपनी कंपनी होगार्डन बियर सेल कर दी एबी इनबेव को, और वो यूएस से चले गए, और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी एक नई ब्रूडी खोली और उसी ओरिजिनल रेसिपी की बियर बनानी शुरू करी, और वो बियर आज भी मिलती है सेलीज वाइट के नाम से। लेकिन हमारी कहानी है इस होगार्डन बियर के बारे में,
और चाहे इसकी रेसिपी ओरिजिनल हो या फिर न्यू, इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि होगार्डन एक बहुत ही पॉपुलर बियर है। और ये पॉपुलैरिटी सिर्फ इसकी ब्रांडिंग की वजह से नहीं है, इसके टेस्ट की वजह से भी है। और कितना अच्छा है इसका टेस्ट वो तो हम आज चेक कर ही लेंगे। तो खोलने से पहले इसका प्राइस भी जान लेते हैं। इसका प्राइस है ₹210 इन दिल्ली। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर वीट बियर, लेकिन ये एक इम्पोर्टेड बियर है प्लस एक ओरिजिनल वीट बियर भी है, और इसीलिए बीरा वाइट को सस्ती होगार्डन भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों का टेस्ट काफ़ी सिमिलर है, लेकिन बीरा वाइट काफ़ी ज़्यादा सस्ती है एज़ कम्पेयर टू होगार्डन। और अल्कोहल परसेंटेज है इसकी 4.9%, तो एक लाइट बियर है। तो चलिए खोलते हैं इसे अब और ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझसे तो और ज़्यादा वेट हो नहीं रहा। फ्रॉथ इस बियर का अच्छा खासा था, लेकिन अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल ऑलमोस्ट येलो कलर की बियर है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, क्लाउडी है, जो कि एक्सपेक्टेड होता है एक वीट बियर से। और अरोमा मुझे काफ़ी अच्छा आ रहा है, फ्रूटी अरोमा आ रहा है, बनाना, ऑरेंज, हर्बल फ्लेवर्स आ रहे हैं मुझे। चलिए टेस्ट करते हैं। नाइस, ऑरेंज और कोरिएंडर का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है, साथ ही मुझे सिट्रस और पेपर टेस्ट भी आ रहा है। बहुत ही क्रीमी एंड क्रिस्प फ्लेवर है इसका, कार्बोनेशन बिल्कुल मॉडरेट है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। बहुत ही लाइट और स्मूथ टेस्ट है इस बियर का। ये ऐसी बियर है कि अगर इसमें 10 पाइंट भी पी लूँ तब भी मेरा मन नहीं भरेगा। और साथ में आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं इस बियर के अंदर, ये पार्टिकल्स एक्चुअली में हैं यीस्ट जो इस बॉटल में होते हैं और मदद करते हैं वो इस बियर को कार्बोनेट करने में। तो अगर आप वो पार्टिकल्स अपनी बियर में देखते हैं इस बियर में, तो डोंट वरी, वो एक नॉर्मल चीज़ है, उस पार्टिकल्स को आप पी सकते हैं बियर के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूड पेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक मेरा सजेशन सेम होगा बीरा वाइट के जैसे, क्योंकि दोनों का टेस्ट काफ़ी सिमिलर है, तो आप उसके साथ कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी लाइट ट्राई करिए, स्पाइसी हो या नॉन स्पाइसी। बट आई थिंक स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ी सी लाइट बियर है, तो आप इसके साथ स्पाइसी खाना खाएंगे तो अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो लास्ट वीक कमेंट आया था अमनप्रीत सिंह जी का, ब्रदर अकॉर्डिंग टू यू प्लीज़ गिव रैंकिंग टॉप 5 लाइट बियर्स एंड 5 स्ट्रॉन्ग बियर्स। तो ऐसा एक वीडियो हम जल्दी बनाएंगे, प्लान है मेरा डेफिनेटली, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हीं बियर्स के बारे में बात करूं जिन बियर्स का हमने रिव्यू इस चैनल पर किया है, ताकि आप उन बियर्स के बारे में और डिटेल में जान सके उन वीडियो के थ्रू। तो जल्दी आएगा सर वीडियो, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो होगार्डन बियर के बारे में। कैसा लगा है आपको प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ चैनल पर यार। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भैरव बाबा आएंगे सपने में। और देखते रहिए मेरे वीडियोस, तब तक के लिए चीयर्स।